ये बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कौड़ी भाई, कब खेला घुमा दे इनके ऊपर, गेम घुमाने का रिकॉर्ड बहुत सा है, एक एक टूर्नामेंट में हारा हुआ खेला 8-9 काट कर 7 काट कर घुमा चुके हैं, ये भी हारा हुआ गेम जिता दिए। ये पेच लड़ाने जब जा रहे थे तब बोले कितना पतंग काटना है, ये बोले कि 3 पतंग काटना है, ये बोले हम काट देंगे, तो इनको बुलाया था कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंस से गए और बोले 3 पतंग काटेंगे और काट कर दिखा दिए, बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर से इनसे हाथ मिलाएंगे हम। चलिए सर भाई क्या हुआ स्कोर? ऐसा ही होना चाहिए, एकदम बहुत फाइट हुआ, 6 ऑल का खेला हुआ, पूरी कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, हाँ वो दिखा दिया, बचा था उसने एक पतंग से 3 पतंग जो काटा है वो भी देखने लायक ही, वो भी देखने लायक है, लाजवाब गेम हुआ है। सेमीफाइनल अब राज भाई के साथ होगा, राज भाई आप लोग का सेमीफाइनल होगा ना, बिगाड़ के साथ सेमीफाइनल होगा, राज सेमीफाइनल कब होगा? सैटरडे। आज ये बी गार्डन काइट क्लब का क्वार्टर फाइनल का मैच है, देखो जिसमें उड़ा रहे ये रोहन भाई, रोहन तिवारी, ये है तुविंदा और ये कौड़ी है। आज क्वार्टर फाइनल का खेला है, अपोनेंट टीम है खिदिरपुर काइट क्लब जिसमें उड़ा रहे सुंदरम और बाबू, वो उस तरफ है, वो लोग लेफ्ट साइड में है और ये लोग राइट साइड में है, और ये तुविंदा, ये लोग जीतेंगे, अगर ये मैच जीतते हैं तो इन लोग का मैच होता है सेमीफाइनल, राज भाई और बंटी भाई से होगा सेमीफाइनल इन लोग का, और अगर सुंदरम और बाबू उधर से जीतता है तो उन लोग का मैच होगा राज बंटी भाई से सेमीफाइनल में नेक्स्ट गेम। हवा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हवा है, देख सकते हैं सुंदर हवा चल रहा है, पता नहीं इधर लगेगा, बहुत अच्छा वेदर है। अभी तक कितना पेच हुआ? एक भी पेच, फर्स्ट पेच है ये पहला पेच, कोड़ी भाई लड़ाने जा रहे हैं, सब्सक्राइबर हो गया भैया का 49 के, और आगे आने वाला महीना में हम लोग कोशिश में है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए, आराम से हो जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बटन पे क्या बोलते हैं लाइक कीजिए। चलिए ये पहला पेच हो रहा है कोड़ी भाई का, देखते हैं ऊपर भाई, ऊपर से सही हो गया है, पतंग बहुत दूर हो रही है पेच, इसलिए पेच नहीं दिखा पा रहा हूँ। रेफरी का विसल आएगा, रेफरी इधर है बिक्की भाई, सही हो गया, ये प्लेयर रेडी है, पेच एकदम बहुत दूर हो रहा है, पतंग विजिबल नहीं है, कोहरा भी है, बहुत बढ़िया झटका मार के बाहर रख के काट दिया कौड़ी भाई, बहुत बढ़िया पेच काटा भाई, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, 26 जनवरी का तैयारी हो रहा है कलकत्ता में, ये तो इसके साथ स्कोर हो गया बी गार्डन काइट क्लब का 1 और सुंदरम लोग का 0। भाई इतना देर झटका मारेगा, एकदम आवाज आ रहा चंग 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 चंग, उधर वाला वो खेला में भी सेमीफाइनल पहुंच गया ना, रामपुर वाला खेला में भी ये लोग सेमीफाइनल पहुंच गए, कौन सा क्लब से उड़ा रहे उधर? पाक सर्कस, असलम भाई के क्लब से उड़ा रहे, जो असलम भाई जो हमेशा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं, और वहाँ पर बशीर बेग का मंजा लड़ा रहे, और यहाँ पर ही बशीर बेग का मंजा लड़ा रहे, ये राउंड का डोर, ये डोर है बशीर बेग का, और काट दिया बहुत अच्छा पेस, तो ये जीते तो यहाँ भी सेमीफाइनल पहुँच जाएंगे, रामपुर वाला टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल पहुँच जाएंगे, वहाँ पर सेमीफाइनल पहुंच गए, अब देखते हैं यहाँ पर सेमीफाइनल पहुंचते हैं, अगर जीतेगा तो हम सब्सक्राइब करेगा, नहीं हारेगा तो नहीं सब्सक्राइब करेगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे तुविंदा बहुत जोर खींचते हैं, इनके हाइट पे मत जाइएगा, हाथ का स्पीड पे जाइएगा, ऐसा मत बोलो लेकिन वो बोल जो बोला वही सही सच बात, अगर जीतेगा हम लोग तो सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो पब्लिक सब्सक्राइब करेगा। की स्कोर हुआ अभी 1-0, आप लोग का 0 वो लोग का 1, किसका पतंग है? हावड़ा का लोकल मैटर है।
नो स्टैम्प मतलब मेकर बोलने से दाम बढ़ जाएगा। सेकंड पेस कौन लड़ाएगा बाबू? तो पहला पेस सुंदरम लड़ाया, कोड़ी काट दिया और सेकंड पेस अभी बाबू लड़ाएगा। यह बाबू ऑरेंज टी शर्ट में, सुंदरम भाई पतंग टेस्ट कर रहे हैं। ये बाबू जा रहा पतंग खींचने, शायद पतंग अंदर है अपोनेंट का, जा रहा पतंग खींचते हैं। बढ़िया पिस काट दिया बाबू, इसके साथ स्कोर 1-1 का बराबरी पे आ गया है। खिदिरपुर काइट क्लब 1 और डी कार्टन काइट क्लब 1। ऊपर से गद्दा मार के काट दिया बाबू, सुंदरम। तो अभी क्या स्कोर हुआ अभी आप लोग का? 2-1 आप लोग का। एक दोनों पेज बाबू काटा है, ये जो ऑरेंज टी शर्ट में है, और सुंदरम एक जमा खाया ना पहला ऊपर तक सुपरमैन वाला जो ये कैप है, ये पहला पेज कट गया और अभी 2-1 से वो लीड पर है। रामपुर और ये किसका पतंग है? विराट का। हेमंत भाई से वीके मिरट वाईके मेकर साहपीर गेट मिरट सावेज अंसारी। वाह, ये पतंग उड़ा रहे अभी बाबू जिससे दो काटे। सेलोटेप तो बहुत सुंदर है, सेलोटेप देखिए कितना सुंदर है। सही है, रोहन नीचे से, बाबू ऊपर से। बहुत बढ़िया रोहन काट दिया टानकर। तो स्कोर 2-2 हो गया, खिदिरपुर काइट क्लब 2 और बी गार्डन काइट क्लब 2। ना हो बे ना, हाथ में दर्द हो गया। ये
ওই জন্য তো বলছি হাওয়াটা নিয়ে যা। দামোদর কি পতঙ্গ কাগুড়িয়া দামোদর বহ তেজ হাওয়া চল রা টু অল কা স্কোর হ্যাঁ খিদিরপুর কাইট ক্লাব টু বি গার্ডেন কাইট ক্লাব টু রোহন উপর সে সুন্দরম নিচে সে পেস সহি হ্যাঁ বহ তেজ মার দিয়া রোহন গদ্দা সুন্দর বন্দর দিয়া इसी के साथ किदिरपुर का 3 बी गार्डन का 2 ये बी गार्डन गाइड क्लब है इसको 2 और किदिरपुर गाइड क्लब 3 थोड़ी नीचे से बाबू ऊपर से पेस सही है खिदिरपुर काइट क्लब ऊपर से बी गार्डन नीचे से पेस सही है देखते क्या होता है 3-2 का स्कोर है कोड़ी पट मारा बहुत तेज पट मारा अंदर मारा कोड़ी कट गया ये पतंग उड़ गया बहुत बढ़िया पेस बाबू काट दिया इसके साथ इसी के साथ किदिरपुर कैट क्लब का 4 और बी गार्डन कैट क्लब का 2
कन्ना बांध कोड़ी भाई, दोनों जीको का पतंग है, वो भी जीको भाई का पतंग है, ये भी जीको भाई का पतंग है। क्या स्कोर हुआ? 4-2 का स्कोर चल रहा है। कोड़ी भाई टेप लगा रहे हैं। तो कन्ना कड़ी आता है गुड़ी को, पानी के जड़ से ना गुड़ी गुड़ी है। नहीं तो गुड़ी ऐसे नीचे रहते देखो, हाँ गुड़ी और झटका मार देता जोर जोर से अंदर में, तो लगा नहीं तो कोई बात सही है। बहुत तेज मारा, बहुत बढ़िया काट दिया रोहन। बाबू कट गया, 4 ऑल का स्कोर हो गया इसके साथ। खिदिरपुर गाइड क्लब 4 और बी गार्डन गाइड क्लब भी 4। ये पे रोहन काटा येलो टी शर्ट, येलो वाइट टी शर्ट में। ये रोहन भाई कौड़ी ऊपर से पिस सही है, 4 ऑल का स्कोर है। पेज बहुत ऊपर ऊपर हो रहा है। सही है, बाबू टान दिया बाहर बहुत तेज और कोड़ी कट गया। 5-4 का स्कोर हो गया। सही है, बाबू ऊपर से और नीचे से सही है। बहुत तेज रोहन ठाना, बाबू गद्दा मार दिया, बहुत बढ़िया पेच काट दिया बाबू। इसके साथ 6 हो गया खिदिरपुर गाइड क्लब 6 और बी गार्डन गाइड क्लब का हो गया 4 और खिदिरपुर गाइड क्लब इधर है, इन लोग का 6 हो गया। हाँ तो अभी क्या स्कोर हुआ आप लोग का? अभी हो रहा है 6-4। आप लोग का 6 और बी गार्डन गाइड क्लब का 4। बाबू अच्छा अच्छा पेच काटा, बाबू पेच काट दिया ना। आपका आप कितना काटे? हम एक काटे, दो उड़ाए एक काटे, दो काटे एक, दो उड़ा कर एक काटे ना। और बाबू कितना उड़ाया? बाबू अभी दो उड़ाया, दो उड़ाया 6 काटे, दो उड़ा पांच काटे, दो उड़ा कर 5 काट दिए बाबू ना। चलिए अच्छा है, देखते क्या होता है। ये लास्ट पतंग है 7 पतंग का। इसके बाद आप लोग का सेमीफाइनल किससे होगा? राज भाई लोग से सेमीफाइनल होगा। अब बोले कि सेमीफाइनल शायद सैटरडे होगा, सैटरडे देखते हैं सेमीफाइनल में किस आप लोग फाइनल पहुंचते कि नहीं पहुंचते। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सेमीफाइनल देखिए आप लोग पहुंचिए, अच्छा रहेगा। बाबू नीचे से कौड़ी ऊपर से सही है। बाबू बहुत तेज टान दिया और कट गया, कौड़ी काट दिया बहुत बढ़िया पेस काट दिया कौड़ी, एकदम यहाँ से पतंग उड़ गया। वाह, इसके साथ स्कोर हो गया 6-5। अब गेम बहुत टेंशन वाला हो गया। खिदिरपुर काइट क्लब 6 और बी गार्डन काइट क्लब 5। बहुत लोग मैदान में आए आज। कोड़ी नीचे से बाबू ऊपर से 6-5 का स्कोर है। बाबू बहुत तेज मार दिया, बहुत बढ़िया पेच काट दिया कोड़ी झटका मार के, 6 ऑल स्कोर हो गया इसके साथ। वाह,
6 ऑल स्कोर हो गया, बाबू फिर से जमा हो गया, कंटिन्यू 2 पे जमा हो गया। शायद लास्ट पतंग अब सुंदरम लड़ाएगा, सुंदरम के पास 1 पतंग है, बाबू का पतंग खत्म हो गया, अब ये सुंदरम लास्ट पतंग लड़ाने जा रहा है। 6 ऑल का स्कोर हो गया है, सुंदरम वर्सेस कोरियो होगा। सिक्स ऑल का स्कोर है, सुंदरम नीचे से, कोरियो ऊपर से, बहुत वाइटल पिच है ये। 6 ऑल का स्कोर है, पिच सही हो गया है, सुंदरम नीचे से, कोरियो ऊपर से, पिच सही है। 6 ऑल का स्कोर है, जो काटेगा सेमीफाइनल में। बहुत बढ़िया पिच काट दिया कोड़ी, बहुत बढ़िया पिच काट दिया। और इसके साथ बी गार्डन काइट क्लब सेमीफाइनल में, तो ये हमारे कोड़ी भाई बहुत बढ़िया पिच काटे, हारा हुआ खेम को जिता दिया खेले, 6 ऑल को काट कर बहुत बढ़िया पिच काटे। आप लोग सेमीफाइनल पहुंच गए, और हमारे तुविन भाई का तुविन दा कहाँ गए, और ये बहुत बढ़िया आप लोग सेमीफाइनल पहुंच गए। ये बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कोड़ी भाई, कब खेला घुमा दे इनके ऊपर, गेम घुमाने का रिकॉर्ड बहुत सा है, एक एक टूर्नामेंट में हारा हुआ खेला 8-9 काट कर 7 काट कर घुमा चुके हैं, हारा हुआ गेम जिता दिए, 6-4 से हारा हुआ गेम को जिता दिए कोड़ी भाई। और इसके साथ सबसे बड़ा प्लेयर, हाँ कोड़ी भाई को माना जाता है, ये भी जिताया मानना पड़ेगा, हाँ वो बात तो है, मगर ये जो कोड़ी भाई है ये कलकत्ता का बहुत उस्ताद है। और ये पेच लड़ाने जब जा रहे थे तब बोले कितना पतंग काटना है, ये बोले कि 3 पतंग काटना है, ये बोले हम काट देंगे, तो इनको बोला था कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंस से गए और बोले 3 पतंग काटेंगे, और काट कर दिखा दिए, बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर से इनसे हाथ मिलाएंगे हम। चलिए, और ये हमारे ऑर्गेनाइजर भाई, क्या हुआ स्कोर? ऐसा ही होना चाहिए, एकदम बहुत फाइट हुआ, 6 ऑल का खेला हुआ, पूरी कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, हाँ वो दिखा दिया, बचा था उसने 1 पतंग से 3 पतंग जो काटा है वो भी देखने लायक, वो भी देखने लायक, लाजवाब गेम हुआ। सेमीफाइनल आपका राज भाई के साथ होगा, राज भाई आप लोग का सेमीफाइनल होगा ना, बी गार्डन का, बी गार्डन के साथ सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल कब होगा? सैटरडे होगा ना, चलिए देखते हैं। सैटरडे को 2 गेम है, हाँ पूरा जीता हुआ हारा हुआ गेम निकाल दिया पूरा, हेवी हेवी गेम हुआ। खेला खत्म हो गया, और ये दोनों टीम के कैप्टन है, ये खिदिरपुर काइट क्लब के कैप्टन है, और ये सुविंदा बी गार्डन काइट क्लब के कैप्टन है। ये गेम हुआ इंडिया का एक ट्रेडिशन देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अब मिलते हैं आपसे सेमीफाइनल के दिन सैटरडे को, तब तक के लिए थैंक यू।